हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो हम लोगों का ये जो सिलसिला लगातार चल रहा है पीवाईक्यू के क्वेश्चन का, वो चलता रहेगा। और इसी के साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करके आज शुरू किया है केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो बेटा आप वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहिए और उनके क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, और थ्योरी भी इसके साथ आपको मिलता रहेगा। तो फिलहाल हम लोग बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का बेस्ट क्वेश्चन। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स के रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये देखिए, ये हमारा जेट फाइटर उड़ चुका है पहले क्वेश्चन की तरफ, जू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ इज 0.1 m which become 0.005 m after 5 minutes, rate constant for the reaction in minute. ओ भाई, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स आप लोग जानते हैं, k equal to 2.303 by t log e naught by at। अब मेरे से पूछ मत लेना ये टाइम क्या है, ये वो टाइम है जिसमें a naught से at हुआ है। a naught क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और at क्या है, बचा हुआ कंसंट्रेशन किसी टाइम t पर। तो देखो बेटा, k equal to 2.303 और टाइम कितना लगा है 5 मिनट, तो अपन ने यहां 5 रख दिया, log इनिशियल है 0.1 और फाइनल कंसंट्रेशन है 0.01। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जब हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो आंसर आपको आ जाएगा 0.9212। और बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की क्या क्या पहचान होती है। सबसे पहली पहचान ये होती है, रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी पहचान, अगर तुम यूनिट ऑफ के देखोगे तो यूनिट ऑफ के जो होता है पर सेकंड होता है। तीसरी पहचान, लॉग एटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो निगेटिव स्लोप होता है, और स्लोप कितना होता है माइनस के अपन 2.303। चौथी पहचान, हाफ लाइफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये इसकी चार पहचान याद रखना, भूल मत जाना। चलो बेटा, तो भागते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और ये अपना जेट फाइटर चल चुका है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्या। चलिए अब देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको समझा चुका हूं, N2 plus 3H2 change into 2NH3। जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी एन टू अपॉन डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 dx2 अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू 1/2 dNH3 अपॉन डी टी। दिस कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ डी एन टू अपॉन डी टी की, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसको बोलते हैं डी एच टू अपॉन डी टी की, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच टू। इसको बोलते हैं डी एन एस थ्री अपॉन डी टी की, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन एस थ्री। तो सिर्फ अगर हम अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करें तो विदाउट स्टाइक्योमेट्री होता है। आप कहेंगे क्या इसका रिलेशन हो सकता है क्या, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन स्टाइक्योमेट्री, एक रिलेशन तैयार कर लो। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया इनमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो पहले देखो माइनस डी एन टी अपॉन डी टी, हां जी ये बात तो सही लग रही है, ठीक है ये बात सही लग रही है। और ये जो होता है माइनस डी एन टू अपॉन डी टी और 1/2 dNH3 अपॉन डी टी, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो 2 का सी जो है वो करेक्ट है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये अपना जेट फाइटर फिर तैयार हो गया उड़ने के लिए और उड़ गया। तीसरा क्वेश्चन, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन ए चेंज इन टू बी इज दिस मोल पर सेकेंड, ठीक है ना, रेट कॉन्स्टेंट। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट। पहले देखो बेटा ये मोल पर सेकेंड, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 m एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है। देखिए आपको k की वैल्यू दे दिया है, यहां पर एक काम करिए, देखिए k जो रेट कांस्टेंट है ठीक है ना, इसको बेटा आप कर लीजिए
पर सेकेंड, यहां से मोल जो है वो हटा दीजिए, यहां से मोल क्या करिए हटा दीजिए। मोल जब हटा देंगे बेटा आप यहां से पर सेकेंड में कर लेंगे, तो पर सेकेंड का मतलब ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हो गया बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। जब ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो यहां से आप सीधे करोगे k इक्वल टू 2.303 बाई t log a नॉट अपॉन ए टी। अब यहां पर आप रखना होगा तो k की वैल्यू हमने रख दिया 0.6 इंटू 10^-3, और यहां पर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ a इज 5 m, तो ये हो गया 5 m, then concentration of B after 20 minute, ये हो गया time है 20, और हमको 80 यहाँ पर क्या करना है? Find करना है। देखिए, अगर question में यहाँ पर per second होता, तो हम question को इस तरह से first order kinetics लेकर के क्या करते? Solve करते, ठीक है ना? लेकिन मान लीजिए अगर question में per second नहीं रहता, ठीक है ना, तो क्या करते? ये तो मैंने पर सेकंड के हिसाब से सॉल्व किया, के की यूनिट अगर पर सेकंड है तो पर सेकंड का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सॉल्व ऐसे करेंगे। लेकिन अगर के की जो यूनिट है, इफ द यूनिट ऑफ के इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, इट यूनिट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन दैट केस द के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। एट दैट टाइम द के इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10^-3, एंड द ए नॉट इज 5 - 80/20। इन दैट केस हम लोग क्या लेंगे बेटा? जैसे देखिए यहां पर हमारा हो जाएगा कि ये हम इसको लिख सकते हैं 6 × 10^-4, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 120 × 10^-4, दैट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80। अब यहां से देखिए तो ए नॉट की वैल्यू कितनी है? ए नॉट की वैल्यू जो है वो 5 है, तो 5 है, इसको यहां पर रख दीजिएगा अब 5, और यहां पर जो है 0.0120, अब यहां पर हो जाएगा बेटा, इसको जब इधर ट्रांसफर करोगे तो -5 + 0.0120, और यहां से जब इसको सब्स्ट्रेक्ट करोगे तो आएगा 4 point something के आसपास। तो अगर आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, जीरो ऑर्डर मान करके चलते हैं, तो जीरो ऑर्डर के हिसाब से जो है हमारा क्वेश्चन जो होगा ऐसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहां पर दोनों तरीके मैंने बता दिया, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए चेंज इन टू बी इज दिस, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो तब तो वो जीरो ऑर्डर है, अगर मान लीजिए पर सेकेंड है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो दोनों के हिसाब से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। यहां पर देखिए रेट कांस्टेंट चौथा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, इसको हम लोग देख सकते हैं। देखिए कैसे है क्वेश्चन, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखिए 2N2O5 चेंज इनटू 4NO2+O2, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखा -1 dN2O5/dt इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt इज इक्वल टू dO2/dt। अब जिसकी जो जो वैल्यू आ रही है ना सब रखते जाइए, तो ये हो गया -1/2 kN2O5, यहां पे 1/4 k-N2O5, यहां पर हो गया k" N2O5 कैंसिल हो गया, ये हो गया k/2, ये हो गया k-4, और ये हो गया k". यहां 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, होल नंबर में ये रिलेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद जो है आपका बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए यहां पे आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, For the reaction N2O5 change into 2NO2/2 value of the rate of disappearance of N2O5. पहले देखिए rate of disappearance of N2O5 का मतलब क्या हुआ, dN2O5/dt that is equal to 6.25 × 10^-3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो dN2O5/dt is equal to 1/2 dNO2/dt is equal to 1/1/2 dO2/dt। ये यहां पर आ गया, और हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है? ये वैल्यू पता है
कि ये वैल्यू 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 है, और हम निकालना चाहते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी जब ये वैल्यू निकालेंगे तो आप यहां पे अलग से लिख सकते हो डी एन टू ओ फाइव अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी एन ओ टू अपॉन डी टी, और यहां से लिखा डी एन ओ टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एन टू ओ फाइव अपॉन डी टी, तो यहां से आ गया 2 इंटू, और ये जो वैल्यू दी है उसको पुट करिए 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करो, तो ये जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहां पे आएगा डी एन टू ओ फाइव अपॉन डी टी एन टू डी ओ टू अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू डी ओ टू अपॉन डी टी, ये वैल्यू यहां से मिल गई। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा आंसर बी। तो ये था बेटा सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन यहां पे दे दिया है। रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है रेट रेट इज इक्वल टू के एन ओ का स्क्वायर एंड सी एल टू। हमने क्या कहा कि द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट कैन बी इंक्रीज। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रेट कॉन्स्टेंट जो होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डी एन एस सी अपॉन डी टी की वैल्यू दी हुई है और हमसे डी एस टू बाई डी टी की वैल्यू पूछना चाहता है। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। देखिए डी एन टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी एच टू अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 डी एन एस थ्री अपॉन डी टी, ये दिया हुआ है। ठीक है, माइनस लगा दीजिए। अब हमसे कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 है, और हमसे डी एच टू बाई डी टी पूछा जा रहा है, तो 1/3 डी एच टू अपॉन डी टी, 3 ऊपर चला जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 दैट इज इक्वल टू डी एच टू अपॉन डी टी, यानी कि आंसर बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो था बेटा कि हम लोगों ने डी एन एस थ्री अपॉन, इस क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन में पूछ रहा था बेटा ये डी एन एस थ्री अपॉन डी टी दिया था, हम लोगों ने डी एन टू बाई डी टी पे सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं, 1/3 डी एच टू अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 डी एन एस थ्री अपॉन डी टी, इसको इक्वेट करो, और हमको इसकी वैल्यू दिया हुआ है, तो 3 यहां ऊपर चल जाएगा 3/2 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 2 कैंसिल हो गया और ये यहां पर आ गया। ठीक है ना, तो आंसर सॉरी बेटा इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला रिएक्शन आपको दिया हुआ है। रिएक्शन दिया हुआ है बी आर ओ थ्री, बी आर ओ थ्री माइनस 5 बी आर माइनस 6 हाइड्रोजन आयन 3 बी आर टू प्लस 3 एच टू ओ, और हमें बी आर टू और बी आर माइनस में कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए तो लिखोगे 1/5 डी बी आर माइनस अपॉन डी टी एंड 1/3 डी बी आर टू अपॉन डी टी, और अगर हमें बी आर टू बाई डी बी आर टू अपॉन डी टी से कंपेयर करना है, दिस इज 3/5 डी बी आर माइनस अपॉन क्या होगा डी टी, तो 3/5 करके आएगा, और यहां से इसको अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है 2a plus b gives 3c plus d, which of the following does not express the reaction rate? हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, तो सबसे पहली बात तो 1/2 dA upon dt, dB upon dt
इक्वल टू 1 बाई 3 डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 1 डी डी अपॉन डी टी। तो यही है, ध्यान से देख लीजिए तो बेटा आपको सीधे मिल जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। तो सब के सब एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन यही वाला जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है क्योंकि रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट जो है माइनस होगा लेकिन जो प्रोडक्ट है जैसे सी अपीयर हो रहा है ना तो यहां माइनस नहीं क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है N2 plus 3H2 change into 2NH3, यहाँ पे DNH3 upon DT और minus DH2 में रिलेशन देखना है। तो कोई बात नहीं हम देखते हैं 1/2 DNH3 upon DT equal to 1/3 DH2 upon DT। ये यहाँ पे माइनस लगा हुआ है हमें DNH3 upon DT में देखना है तो DNH3 upon DT और ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर तो -2/3 और ये वैल्यू हो जाएगी। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है 3a 1/3 dA अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 dB अपॉन dt और अगर dB अपॉन dt हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 2/3 dA अपॉन dt 2/3 dA अपॉन dt। आंसर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ द रेट ऑफ अपीयरेंस अंडरलाइन यानी BR माइनस और BR2 में रिलेशन आपको बताना है तो आप इसको सिर्फ लिखिए 1/5 डी बी आर माइनस अपॉन डी टी 1/3 डी बी आर टू अपॉन डी टी और अगर हमें बी आर टू अपॉन लिखना है तो 3/5 हो जाएगा। तो आंसर यहां से आप देखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा डी वाला ठीक है ना -3/5 ये 3 यहां चला जाएगा बी आर टू अपॉन डी टी मिल जाएगा। अब देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर पे जो है वो डिपेंड करता है तो हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन से देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ठीक है ना लॉ ऑफ मास एक्शन से। फिर इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड ऑफ काइनेटिक्स y in x फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली चीज अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो ये रेट और कंसंट्रेशन होंगे। पहले सुन लीजिए अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ठीक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। और यही बात जब आप फर्स्ट ऑर्डर में करेंगे तो हाफ लाइफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बी वाला होगा जीरो ऑर्डर है जिसमें रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा फर्स्ट ऑर्डर है हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 0.2 ठीक है क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए द हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैव 0.02 इनिशियल कंसंट्रेशन इज 100 द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए उसमें जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है के इक्वल टू ए नॉट -80/T हाफ लाइफ के लिए लेते हैं तो a नॉट बाई 2t हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दिया है 0.02 हाफ लाइफ दिया हुआ है 100 और यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1
का आंसर आ जाएगा बी, 15 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम रिएक्टेंट टू 0.2। तो आप देखिए यहां फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर पर सेकेंड से समझ में आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर है, 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। तो ए नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 2 और इसकी वैल्यू कितनी हुई 0.2, इसकी वैल्यू दे दिया 4.606 इंटू 10^-3। टाइम क्या कर लेंगे यहां पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 16 का आंसर आ जाएगा बी। चलिए 16 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 99%। पहले तो ये समझिए ना 99% का मतलब क्या हुआ, 99% का मतलब ये हुआ कि इनिशियल वैल्यू अगर हमारी 100 है तो इसमें जो खत्म हो गया वो 99% है, बचा हुआ जो है वो वैल्यू हमारी 1 है, यानी k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ए नॉट इज 100 एंड बचा हुआ इज 1 और हमें फाइंड करना है क्या टी। तो बेटा यहाँ के और टी में रिलेशन मिल जाएगा, लॉग 100 को लिख सकते हो 10^2, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 इंटू 2 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अपॉन यहां पर आ जाएगा टी। तो टी इज इक्वल टू 4.606 बाई क्या हो जाएगा के। तो आंसर इसका मिल जाएगा सी। चलिए 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज द रेट कॉन्स्टेंट। तो देखिए के की वैल्यू तो आपको दे दिया है, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। के की वैल्यू यहां दिया है 2.303 इंटू 10^-3। ए नॉट आपको दे दिया है 40, ये दे दिया है 10 और टाइम क्या करना है फाइंड कर लेना है। तो यहां से डायरेक्टली आप टाइम क्या कर सकते हैं फाइंड और आंसर आपको क्या मिल जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद जो है आपका आता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इनडिपेंडेंट ऑफ ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ये होता है जीरो के लिए, ये होता है फर्स्ट के लिए और ये होता है सेकंड के लिए। तो यहां से आप देखेंगे तो आंसर बी आपको क्या होगा मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैंने बताया कि जो हाफ लाइफ होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हाफ लाइफ को डबल करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा डबल। आंसर बी, 20 का आंसर मिल गया आपको बी। उसके बाद है 21। देखिए 21 जो है वेरी गुड क्वेश्चन है, 21 अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 21 में क्या है, हमें मान लीजिए ये मेन रिएक्शन है हमारी, हमको रेट लिखना है तो हम लोग स्लो रिएक्शन से शुरू करते हैं। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई टू। हमने देखा ये जो एक्स है ये हमारे मेन रिएक्शन में तो दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये हमारा इंटरमीडिएट है। अब इस इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन कहां से निकालें, तो हमको यहां से मिलता है, ठीक है यहां से मिलता है। देखिए आप यहां पर एक चीज चेक करिए कि x की वैल्यू कहां से मिलेगी, जहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी वहीं से हम लोग इसको उठाएंगे। तो सबसे पहले देखिए x की वैल्यू अगर हमें उठाना है तो चलिए हम ये फास्ट वाले रिएक्शन से यहां से उठाते हैं। तो हमने अगर लिखा इक्विलिब्रियम k इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन हो गया रिएक्टेंट, तो ये x इंटू x अपॉन हो गया x2, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू ये x2 आया, x इक्वल टू रूट x2 आ गया और इस x की वैल्यू उठाकर हमने क्या कर दिया यहाँ पे पुट कर दिया। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा k और x पे पावर 1/2, y पे पावर 1 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1 एंड हाफ। तो आंसर आ जाएगा सी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल एट 10 सेकेंड एंड 0.03 एट 20 सेकेंड आफ्टर इनिशिएशन, तो हाफ लाइफ पीरियड। तो सबसे पहले के निकालिए, के इक्वल टू 2.303 बाई टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल 20 माइनस 10 है, लॉग इनिशियल वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.04, फाइनल वैल्यू 0.03, यहां से के की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे ही के निकल जाता है, के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, यहां से इसकी वैल्यू पुट करिए और हाफ लाइफ निकाल लीजिए, तो 23 का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा ए। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ इज नॉट अफेक्टेड। तो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 2 आवर एंड 75% कंप्लीटेड इन 4 आवर, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पे क्या होगा। अगर कोई रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो रहा है 2 घंटे में, ठीक है, और 75% कंप्लीट हो रहा है 4 घंटे में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये बेटा कि अगर 50% यहां पे एक चेक कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टी 3/4 इज इक्वल टू होता है 2 टाइम ऑफ t हाफ, ठीक है, 2 टाइम ऑफ t हाफ, और ये किसके लिए अप्लीकेबल होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और यहां पे पुट करके देखें तो 2 × 2 कितना हो जा रहा है 4, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। हाँ, दूसरे तरीके से अगर आप चेक करना चाहते हैं तो k इक्वल टू 2.303 बाई टी 50%, और यहाँ पे जो हो गया log 100 अपॉन 50, यहाँ पे टाइम रखिए 2 और यहाँ से k की वैल्यू निकालिए, दूसरा रखिए k इक्वल टू 2.303 बाई टी 75% log 100 अपॉन 25, यहाँ पे जो है वैल्यू 4 रखिए। अगर दोनों के k की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, आप निकालेंगे दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन ए एंड बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2, यानी रेट इज इक्वल टू के, ए पे पावर कितना है 2 एंड बी पे पावर कितना है 3। तो मान लीजिए अगर इसको मैं डबल कर रहा हूं, द कंसंट्रेशन ऑफ ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, यानी 2 पे पावर कितना टाइम हो गया, 5 टाइम, तो आंसर कितना हो जाएगा, 32 टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 27 है जिसमें आपसे कह रहा है रेट इज डबल। पहले मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूं, रेट इज इक्वल टू के ए एक्स बी वाई, मैंने बोला व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल रेट इंक्रीजेस टू 4 टाइम, इसको मैंने डबल किया और ये 8 टाइम हो गया, इसका मतलब इसके ऊपर पावर कितना हो गया 3, इसके ऊपर पावर कितना हो गया, द रेट इज डबल, सॉरी देखिए द रेट इज डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, ठीक है, यानी कि अगर इसको मैंने डबल किया तो ये डबल हो गया, इसका मतलब एक बात तो पता चल गया कि ए के ऊपर पावर कितना है 1। फिर कह रहा है कि अगर मैं दोनों को डबल कर दे रहा हूं तो रेट हमारा जो है, ठीक है ना, 8 टाइम बढ़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, कि इक्वेशन बना लीजिए ऐसे, रेट इक्वल टू के ए पावर एक्स एंड बी पावर वाई, फिर ये जो है हमारा 2R हो गया जब हमने इसको क्या कर दिया डबल और इसको रखा कांस्टेंट, और तीसरा ये 8R हो गया जब हमने दोनों को क्या कर दिया डबल कर दिया। अब कुछ करना नहीं है, ये 3 इक्वेशन है, पहले एक काम करिए, पहले आप इन दोनों को डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, फिर आप इन दोनों को डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2, तो ए बी 2 आना है, तो 27 का जो आंसर है आपका आ जाएगा डी। सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, ये इक्वेशन आपको यहां सॉल्व करने ना आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज होल नंबर होता है, ये गलत है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है फ्रैक्शन में भी होता है,
निगेटिव भी होता है, सिर्फ होल नंबर होता है, ये जरूरी नहीं है। तो 28 का आंसर हो गया डी। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि के की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर 1-n पर सेकेंड, nth ऑर्डर के लिए, या एटमोस्फियर 1-n पर सेकेंड, यहां से आप निकाल सकते हो। 29 के बाद है अगला 30। द हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इन सर्टेन एंजाइम कैटालिज रिएक्शन इज दिस, टाइम रिक्वायर्ड टू कंसंट्रेट टू फॉल दिस। तो पहले काम करिए ना, k इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ। अब यहां देखिए आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है, जिसका मतलब 0.693 अपॉन 138 k की वैल्यू मिल गई। अब k इक्वल टू कितना होता है, 2.303 बाय t log a नॉट अपॉन at। तो पहले देखिए फॉल कितने से हो रहा है, 1.28, और ये फॉल करके 0.04, और k की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए और टाइम यहां से क्या होगा, मिल जाएगा। तो देखिए आज हम लोग 30 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, इसके बाद जो है अगले सीरीज में फिर हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। तो फिलहाल हम लोगों ने देखिए अभी फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, और फिर आगे एक से और फिर हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग रेस्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा केमिकल काइनेटिक्स के। तब तक के लिए बेटा हम लोग विदा लेते हैं, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।